नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता हैप्पी टमी में। त्यौहार के मौसम में अगर आप मीठा तला हुआ खाकर थोड़े बोर हो गए हैं और कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल मसाले भात की रेसिपी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग और 2 तेज पत्ता ले लिया है। अब इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब आधा मिनट भूनने वाली हूँ। इस वजह से जो है इसका एक एरोमा निकल आता है। इससे ज़्यादा कभी भी गर्म मसाले ना भूनें, नहीं तो इनका जो फ्लेवर है वो नहीं आता। अभी ने मैंने निकाल लिया। अब इसमें हम करीब 50 ग्राम सूखा हुआ नारियल भूनने वाले हैं। तो ये जो नारियल है हमें थोड़ा सुनहरा होने तक भूनना है। तो यहाँ पे मेरा नारियल सुनहरा हो चुका है। अब इन्हें निकाल कर सारे मसाले हम एक साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पे नारियल और मसालों का दरदरा मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम सेम पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं, आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा, कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के, 5 से 6 बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 इंच अदरक खसा हुआ डाल लिया है। यहाँ पे लो फ्लेम पे भूनेंगे, नहीं तो ये सब जलने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें हमने जो बनाया हुआ मसाला था वो 1 बड़ी चम्मच डालेंगे। बाकी का मसाला हमें बचा कर रखना है। इसे भी भूना, फिर आधी छोटी चम्मच हल्दी डाला। हल्दी का कलर इसमें उतर जाए तेल में तब तक इसे भून लिया है। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल लिया है। इसे भी करीब आधा मिनट हम भूनेंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मेरे सारे मसाले और प्याज जो है वो भुन गया है। फिर इसमें मैंने 2 हरी मिर्चियाँ लंबी कट कर कर डाल दी हैं। फिर यहाँ पे 1 आलू मीडियम साइज़ का, आधे कप मटर, 2 बैंगन, 100 ग्राम के करीब फूलगोभी और 1 बड़ी चम्मच मूंगफली ले ली है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। तो अच्छी तरह से कोट कर लें। यहाँ पे हर एक सब्ज़ी को आपका मसाला अच्छी तरह से चढ़ जाए इसका आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मसाले अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब इसमें डाल लेते हैं चावल। तो चावल अभी हम धो लेंगे। चावल यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने चावल को कुछ भिगो कर नहीं रखा है, बस ऑन द स्पॉट इसे धोया और हमारे सब्जी वाले मसाले में डाल लिया है। अब 1 कप चावल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे करीब सब्जी और जो चावल है उसकी मात्रा सेम है। अगर आप देख पा रहे हैं तो सब्जी का जो मिश्रण है वो भी ऑलमोस्ट 1 कप ही था और जो चावल है वो भी हमने 1 कप ही लिया है। अब हमारा जो बचा हुआ मसाला था वो इस पे डाल लेंगे। तो मसाले के जो है 2 फ्लेवर इसमें आने वाले हैं, एक ऊपर से डाला हुआ और एक जो हमने पहले ही तेल में भून लिया था। मसाला डालने के बाद आधा मिनट के करीब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। तो इस वजह से क्या होगा, जब आप चावल बनाएंगे तो एकदम खिले खिले चावल बनेंगे आपके। यहाँ पे मेरा चावल और सब्जी का मिश्रण अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। तो पानी हमें चावल के हिसाब से डालना है, चावल के 2 गुना डालना है। तो यहाँ पे 2 कप पानी हमने डाला है और अभी गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए। नमक डालिए स्वाद अनुसार और पानी पे उबाल आने का इंतज़ार कीजिए। तो लीजिए, मेरे पानी पे उबाल आ गया। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक लूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से ढका और अब जो गैस की फ्लेम है उसको कर लेंगे लो। अब इसे हम पूरे 15 मिनट इसी तरह से पका लेंगे। 15 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा जो पानी है वो पूरी तरह से सूख गया है और आपके जो चावल है एकदम परफेक्टली खिले खिले भी बने हैं और पक भी गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये परफेक्ट मसाले भात जो है वो बनकर तैयार है। आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए रायते के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये ट्राई करने के बाद वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।